हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम ऋषभ। अभी हमारे सामने खड़े 2024 महिंद्रा एक्सयूवी 7W। ये एक्सयूवी 7W का AX7 वेरिएंट है नेपोली ब्लैक में। अब आप ये सोच रहे हो कि नेपोली ब्लैक क्या चीज़ है। नेपोली ब्लैक आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको एक नया एडिशन मिल जाता है और नया वेरिएंट मिल जाता है, एक टाइप से आप कह सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या चेंजेस मिल जाते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी सारे आपको एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं। चेंजेस क्या मिल जाते हैं, आपको फ्रंट में आपको न्यू ग्रिल मिल जाती है जिसपे आपको क्रोम का कोई इंसर्ट नहीं मिलता है, सारी ग्रिल आपको ऑल ब्लैक में मिलती है। और दूसरा चेंज आपको एक्सटर्नल से क्या क्या मिल जाता है, आपको अलॉय व्हील्स का मिल जाता है जिसमें आपको जो अलॉय का साइज़ तो वही रहता है बट जो इसका जो कलर है वो आपको ऑल ब्लैक में मिल जाता है। जैसे आप इसके इंटीरियर में आते हैं, इंटीरियर में आपको वेंटिलेटेड फंक्शंस मिल जाते हैं, वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, ORMs के एक्स्ट्रा कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं, वो सब चीज़ें आपको एडिशनल फीचर्स में आपको इंक्लूड हो जाते हैं। जो ये नेपोली ब्लैक कलर आई है सारे वेरिएंट्स में आया है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि जो ये चेंजेस आए हैं सारे चेंजेस तो आपको ऑल वेरिएंट्स में मिल जाते हैं, बट जो एक आपको एक ट्विस्ट मिल जाता है जो इसके वेंटिलेटेड फंक्शंस हैं, सीट के फंक्शंस हैं, कैप्टन सीट्स हैं, वो सब चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएंट में देखने को मिलती है जो कि आपको मिल जाती है AX7 लग्जरी वेरिएंट में। इस वाले वेरिएंट में आपको वो वाली चीज़ें ऑफर्स नहीं करी जाती है। वेंटिलेटेड फंक्शन हो गए, ORMs के कंट्रोल्स हो गए, कैप्टन सीट्स हो गए, इस वाले वेरिएंट में आपको वो चीज़ें ऑफर नहीं करी जाती है, बट आपको ये चीज़ें एक्सटर्नल की आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, ग्रिल का, अलॉयज का, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सारे फीचर्स के बारे में, इंजन ऑप्शंस के बारे में, प्राइस के बारे में, और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे नेपोली ब्लैक में आपको क्या क्या चेंजेस मिल जाते हैं और क्या क्या आपको एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर देखना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हम इसकी की के साथ में। ऐसी कुछ हमें की देखने को मिलती है फ्लिप की। बेसिकली आपको फ्लिप की तो मिल जाती है बट आपको इसके अंदर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको महिंद्रा का लोगो भी मिल जाता है। इसमें आपको बटन्स मिल जाते हैं लॉक का, अनलॉक का। इस बटन को जैसे आप होल्ड करके रखते हैं जो इसका बूट है वो अनलॉक हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। फ्रंट में से जो आपको सबसे बड़ा ही चेंज देखने को मिलता है वो आपको इसका मिल जाता है कलर का। सबसे बड़ा आपको चेंज कलर का मिलता है, वो एकदम बेहतरीन लुक आती है इसके। जैसे आप इसके चाहे पूरी ग्रिल की बात कर लो, चाहे इसके पूरे कलर की बात कर लो, अलॉय व्हील्स भी आपको पूरे ब्लैक कलर की ही देखने को मिलते हैं। ब्लैक कलर तो एक ऐसा कलर है जो एवर ग्रीन रहेगा, 24 घंटे हर किसी गाड़ी पर सूट कर जाता है और इस पर तो क्या बेहतरीन ही लग रहा है। एक्सयूवी 7W में आपको पहले मिडनाइट ब्लैक मिल रहा था, जे वैसे तो आपको ब्लैक नाम से था वो वैसे आपको ब्लू ही मिलता था। इस बार आपको प्रॉपर ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है और क्या ही मस्त लगती है जब DRL ऑन होते हैं, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर ऑन होते हैं विद हेडलैम्प्स, क्या ही गजब लुक आती है इसकी। फ्रंट में से एक तो आपको सबसे बड़ा चेंज तो आपको पूरा कलर का ही मिल जाता है, ऑल ब्लैक आपको पूरी गाड़ी मिलती है। फ्रंट में से आपको ऑल ब्लैक में ही इसकी पूरी ग्रिल देखने को मिल जाती है मैट ब्लैक में, जिस पे आपको महिंद्रा का लोगो भी मिल जाता है। इसमें आपको फ्रंट कैमरा आपको ऑफर नहीं कराया जाता है। इस तरफ इसके LED हेडलैम्प्स आ जाते हैं, यहाँ पे आपको पूरे DRL मिल जाते हैं, काफ़ी बड़े LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि आपको व्हाइट LED में मिलते हैं। सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप्स भी ऑफर हो जाते हैं जो कि आपको व्हाइट LED में ही मिलते हैं। यहाँ पे आपको एयर डैम्स भी ऑफर हो जाते हैं। इस तरफ इसका टोइंग हुक आ जाता है, जो इसकी नंबर प्लेट की जगह है वो आपको इस तरफ ऑफर करी जाती है। जैसे कि इसका AX7 वेरिएंट है, इसमें आपको एडास के फीचर्स मिल जाते हैं, जिसका रडार आपको इस तरफ देखने को मिलता है और जो इसका एडास का कैमरा है वो आपको उस तरफ देखने को मिल जाता है। जितने भी इसके एडास के फीचर्स हैं और इसके फीचर्स जितने भी आपको एडास के मिल जाते हैं इसमें, वो हम सारे फीचर्स के बारे में अंदर बैठ के बात करते हैं इसके क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और कितने मिल जाते हैं। और जो इसकी फ्रंट की स्किड प्लेट है वो आपको सिल्वर फिनिश में देखने को मिलती है। ओवरऑल फ्रंट में से क्या बेहतरीन ही लुक आती है इस गाड़ी की ब्लैक कलर में, ऑल ब्लैक में। अब हम चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पर। जैसे आप इसके साइड में आते हो, साइड में आपको सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलता है इसके अलॉय व्हील्स का, वो कि जो आपको सेम साइज़ का तो वैसे ही बेसिकली आपको मिलता ही है, जो आपको ये AX7 वेरिएंट में आपको रेगुलर में मिलता है, बट जो इसका कलर है वो ऑल ब्लैक में ऑफर करा जाता है, जिसमें आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जिनकी प्रोफाइल है 235/60R18। 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर हो जाते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट और रियर में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर करे जाते हैं, चारों टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। 200mm का आपको उसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। ऊपर की तरफ इसके बड़े से ORMs आ जाते हैं विद टर्न इंडिकेटर, जिनको आप फोल्ड अनफोल्ड और इसके मिरर को भी आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी क्रोम की लाइनिंग देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे आपको मैट ब्लैक में आपको पूरी लाइनिंग देखने को मिलती है। इस तरफ इसके यूनिक, सबसे यूनिक डोर हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि आपको पॉप अप वाले नहीं मिलते, वो आपको सिर्फ और सिर्फ लग्जरी वेरिएंट में मिलते हैं। ऊपर की तरफ कहीं भी आपको कोई क्रोम का पार्ट नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ इसके रूफ रेल्स आते हैं,
वो भी आपको ऑल ब्लैक में ही देखने को मिलते हैं। रियर वाले टायर पे भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल पर। रियर में से भी आपको काफ़ी बेहतरीन लुक आती है इसकी, काफ़ी यूनिक लुक आती है ऑल ब्लैक में, तो क्या ही मस्त लगती है। ऐसा कुछ इनका टेल लाइट्स का डिज़ाइन आता है। यहाँ पर आपको LED स्ट्रिप मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, ब्रेक लाइट मिल जाती है, रिवर्स करने की लाइट, XUV700 AX7 की बैजिंग आपको सिर्फ मिल जाती है। ऊपर की तरफ आपको शार्क पेनल्टी नाउ ऑफर हो जाता है। यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिल जाता है, स्टॉप लाइट, विंडशील्ड पर आपको डिफॉगर और वाइपर दोनों मिल जाते हैं। महिंद्रा का लोगो, नंबर प्लेट की जगह रियर कैमरा, यहाँ पे ऐसे टेल लाइट्स का वही सेम डिज़ाइन आ जाता है। रियर में आपको 2 रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और 2 ही आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। यहाँ पे इसके जो इसके रियर की स्किड प्लेट है वो भी आपको सिल्वर फिनिश में ही देखने को मिलती है। अब हम चेक कर लेते हैं इसका बूट स्पेस। यहाँ पे इसका यहाँ पे रियर कैमरा आ जाता है, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन आ जाता है, यहाँ से इसको ओपन आप कर सकते हैं। इसमें आपको 240 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है। अगर आपकी थर्ड रो अगर फोल्ड हो तो थर्ड रो में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको AC वेंट मिल जाते हैं, इस तरफ भी मिल जाता है, और जो थर्ड रो का जो वो है यहाँ पे आपको AC का ब्लोअर की स्पीड चेंज करने का भी मिल जाता है। 12 वोल्ट का पोर्ट मिल जाता है, इस तरफ यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाता है। रियर वाली सीट पे आपको स्पेस तो काफ़ी कम ही देखने को मिलता है, और कंपनी की तरफ से अभी है नहीं कि अगर आपकी जो थर्ड रो एंगेज हो तो आपका बूट स्पेस कितना बनता है। अगर इसके एंगेज भी कर देते हैं तो मुश्किल से ही आप कोई छोटा मोटा एक आध बैग ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा स्पेस इसमें बनता नहीं है। अगर आप इसको फोल्ड कर देते 240 लीटर का बूट स्पेस बन जाता है। और जो इसका टूल किट है यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको इस तरफ देखने को मिल जाती हैं, और जो इसका स्पेयर टायर है वो आपको इसके नीचे देखने को मिलता है, जो कि आपको मिलता है स्टील रिम में छोटे साइज का। और इस तरफ इसका फ्यूल लेड आ जाता है, यहाँ पे इसको आप ओपन कर सकते हैं। यहीं से आप इसका डीजल और DF का भी यहीं से आप डाल सकते हैं। इसमें आपको 60 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। कर देते हैं अब इसको बंद। यहाँ पे आपको एड्रोनक्स की बैजिंग भी मिल जाती है। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में, और इंटीरियर में बताता हूँ आपको इसके अंदर क्या क्या चेंजेस मिल जाते हैं और क्या क्या एडिशनल फीचर मिल जाते हैं। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, एडिशनल फीचर तो आपको कुछ नहीं मिलता है। जो भी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे आपको एक्सटीरियर से ही मिलते हैं, चाहे बात करें एलॉयज की, ग्रिल की, कलर की, वो सब चीज़ें आपको XUV700 AX7 वेरिएंट में आपको देखने को मिलती है। फीचर सारे आपको सेम टू सेम देखने को मिलते हैं, वही आपको डुअल टोन इंटीरियर मिलता है, वही आपको जगह जगह पर सॉफ्ट टच। अगर डोर की बात करी जाए, डुअल टोन में आपको पूरा दरवाज़ा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मेमोरी सीट फंक्शन भी मिल जाती है। यहाँ पे आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली सीट को, ड्राइवर वाली सीट को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। 3 मेमोरी फंक्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर डोर हैंडल मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश सॉफ्ट टच देखने को मिल जाते हैं। चारों पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं। जो ड्राइवर विंडो है वो ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फंक्शन के साथ मिल जाती है। यहाँ पे इसके ऑरेंज के कंट्रोल आ जाते हैं, 4x4, और ये एडजस्ट करने के लिए, लॉक एंड अनलॉक करने के लिए चाइल्ड लॉक मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पीकर, वाटर होल्डर, कुछ सामान रखने के लिए अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है। ट्विटर्स ऑफर हो जाते हैं, और यहाँ पे इसके सीट के यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये इस तरफ इसका लंबर सपोर्ट भी आ जाता है, यहाँ से आप इसको मैनुअल ही करना होता है। इस तरफ जो ये वाले कंट्रोल्स आ जाते हैं, ये वाले आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आइडल स्टार्ट स्टॉप का, हिल डिसेंट कंट्रोल का, और यहाँ पे आपको ट्रैक्शन का भी मिल जाता है। और इस तरफ इसके हेडलाइट लेबलर, और यहाँ पे आपको AC वेंट मिल जाते हैं। AC वेंट के चारों तरफ आपको क्रोम का इंसर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलता है। ओवरऑल और इंटीरियर आपको काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलता है। यहीं से आपको डुअल टोन का सारा इंटीरियर मिलता है, काफ़ी प्रीमियमनेस ज़्यादा देखने को मिल जाती है आपको। अब हम आ चुके हैं XUV700 AX7 के नेपोली ब्लैक कलर के एडिशन के अंदर। इसमें आपको इंटीरियर में आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीचर या कोई भी आपको चेंजेस इतना कोई मेजर आपको देखने को नहीं मिलता है, बल्कि आपको देखने को ही नहीं मिलता है। पहले मेरे को भी लगता था कि जो ये वाला वेरिएंट है इसमें आपको कुछ एडिशनल फीचर्स देखने को मिल जाएंगे इस वाले वेरिएंट में, पर्टिकुलर AX7 वाले वेरिएंट में, बट आपको इसमें कोई एडिशनल फीचर वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो इसके एडिशनल फीचर्स आए हैं नेपोली ब्लैक के, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन कौन से आते हैं। जैसे कि आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, जो आपकी फ्रंट की दोनों सीट्स हैं वो आपको वेंटिलेटेड मिल जाती है। वो जो फीचर्स हैं वो सब चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ AX7 लग्जरी वेरिएंट में देखने को मिलती हैं। इंटीरियर में आपको क्या चेंज मिल रहे थे, एक तो आपको वेंटिलेटेड सीट फंक्शंस मिल रहे थे, और जैसे कि आपको एक एडिशनल फीचर और मिल जाता, जो भी आप इसके सीट मेमोरी सीट फंक्शंस करते थे वो सिर्फ और सिर्फ पहले वाले टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ सीट्स के अंदर मेमोरी सीट फंक्शन मिलती थी। अब इसमें क्या है, जो भी आप सेट करोगे वो आपके ORVM भी उसी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएंगे, जो आपने इसको मेमोरी कर रखी होगी वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। और जो थर्ड चेंज और मिल जाता है नेपोली ब्लैक में, वो आपको मिल जाती है कैप्टन सीट्स के अंदर,
वो आपको रियर में आपको कैप्टन सीट्स ऑफर होती है, सिर्फ और सिर्फ लग्जरी वेरिएंट में वो सब चीज़ें आपको ऑफर करी जाती है, इस वाले वेरिएंट में आपको वो सब चीज़ें ऑफर नहीं होती हैं। ऐसा कुछ आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, इस तरफ आपको पियानो ब्लैक फिनिश में इसके सारे बटन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको मिल जाते हैं सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग। यहाँ पे जैसे म्यूट करने के लिए वॉल्यूम चैनल को, यहाँ पे कॉल्स पे कॉल कट करने के लिए उसके रिगार्डिंग, और यहाँ पे आपको वॉइस कमांड भी मिल जाते हैं। इस तरफ इसके क्रूज के कंट्रोल आ जाते हैं, और यहाँ पे इस तरफ इसके याले आ जाते हैं कंट्रोल, इसके MID के रिलेटेड, इस तरफ इसके वाइपर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, और इस तरफ इसके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल आ जाते हैं। अगर स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करी जाए, यहाँ से आप इसका लॉक हटा सकते हैं, इसमें आपको सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट मिलती है, जो कि आपको मिलती है सिर्फ टिल्ट ऑप्शन की, टेलीस्कोपिक आपको इसमें नहीं मिलती है। यहाँ से इसका लॉक फिर से लगा देते हैं। अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करी जाए, फुली डिजिटल में आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, फुली इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको कनेक्टेड मिलता है। इसकी बात करी जाए, ये आपको 10.25 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, यहाँ पे आपको सब कुछ शो करता है, जैसे कि यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको RPM मीटर मिल जाता है, यहाँ पे फ्यूल का पता चल जाता है, टाइमिंग का, टेम्परेचर का कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाती है इस तरफ यहाँ पे भी, और टोटल किलोमीटर्स, यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर भी पता चल जाता है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं यहाँ पे, ये छोटी सी MID मिल जाती है। और जो ये MID के कंट्रोल्स है, आप ये सारे के सारे इन वाले बटन से चेंजेस भी कर सकते हैं इनसे, जैसे कि अब मैं करके दिखाता हूँ। जैसे अभी आप यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, जैसे आप इसके व्हीकल इन्फॉर्मेशन में आते हैं, व्हीकल इन्फॉर्मेशन में आपको पहला क्या देखने को मिल जाता है, इसका TPIMS का फंक्शन मिल जाता है, जैसे कि आपको टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम मिल जाता है, यहाँ पे आपको हर एक टायर का अलग अलग टाइम वो शो कर रहा है कि कितना प्रेशर है हर टायर में, उसका रिलेटेड आपको हर चीज़ शो करेगा इसी के रिलेटेड। जैसे आप इसके नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे की तरफ आपको नीचे और आप आते हैं, यहाँ पे आपको टायर का टेम्परेचर भी पता चल जाता है, उसका अलग अलग टायर का अलग पता चल रहा है नीचे, और आप आते हैं यहाँ पे पावर एंड टॉर्क का, और इसके नीचे आपको ये सब चीज़ें मिल जाती है। नेक्स्ट पे हम बैक हो जाते हैं, नेक्स्ट आपको पास मिल जाती है नेविगेशन का, नेविगेशन में आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे, पहले तो आप इस पे पहले क्लिक करते हैं तो आपको छोटी सी डिस्प्ले पे आपको पूरी नेविगेशन देखने को मिलती है। अगर आप चाहते हैं जो इसकी नेविगेशन है पूरी होल स्क्रीन पर आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, तो जो ये वाला बटन है इसको होल्ड करके जैसे आप रखते हैं, तो जो इसकी पूरी ओवरऑल पूरी नेविगेशन है वो पूरे इसी वाले स्क्रीन पर आ जाएगी। जैसे अभी मैं करके रखता हूँ, इसको होल्ड करके रखा तो ये अब ये नेविगेशन आप पूरे स्क्रीन पर आएगी। जैसे अभी ये कनेक्टेड नहीं है उससे फ़ोन से, तो इस वजह से अभी नेविगेशन यहाँ पे शो नहीं हो रही है, बट आप देख सकते हैं जो यहाँ पे स्पीडोमीटर और RPM मीटर था वो सब चीज़ें गायब हो चुकी हैं। स्पीडोमीटर आपको इस तरफ देखने को मिल रहा है छोटा सा इस वजह से, और अगर आप चाहते इसको बैक होना तो आप यहीं से हो सकते हैं, इसको होल्ड करने से ही, होल्ड करने से फिर से वही सब चीज़ें वापस आ जाएंगी। नीचे की तरफ आपके और कुछ नहीं देखने को मिलता है, बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद यहाँ पे आपको ड्राइवर असिस्ट मिल जाता है, इस पे आप जाते हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। अगर ड्राइवर असिस्ट बैक हो जाते हैं, नीचे की तरफ आपको डिस्प्ले लेआउट मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको काफ़ी तीन टाइप के लेआउट मिलते हैं, वैसे ही नॉर्मल नीचे की तरफ आपको इन्फॉर्मेशनल मिलता है, जैसे आप इसको करते हैं चेंज, तो ये जो इसका पूरा डिस्प्ले है वो सारा का सारा चेंज हो चुका है। यहाँ पे स्पीडोमीटर बन चुका है, यहाँ पे RPM मीटर, थोड़ा जो लॉग है वो सारे काफ़ी छोटे छोटे से हो गए, वो इस पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ड्राइवर असिस्टेंट यहाँ पे आप आते हैं, और नीचे की तरफ और आप जाते हैं इन्फॉर्मेशन से नीचे, यहाँ पे आपको मिनिमल का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसमें फिर से आपकी पूरी जो डिस्प्ले है वो फिर से चेंज हो जाएगी, जिसमें आपको थोड़ी स्पोर्टी लुक भी देखने को मिल जाती है वो सब चीज़ें। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, इससे बैक हो जाते हैं, डिस्प्ले लेआउट सारा हो चुका है। सेटिंग्स में आप जाते हैं, सेटिंग्स में आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ड्राइवर असिस्ट मिल जाता है, यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग बैग्स का, TPMS का, वो सब चीज़ें, टायर फेल असिस्ट, साउंड, क्लॉक, फैक्ट्री रीसेट, वो सब चीज़ें कंट्रोल देखने को आपको मिल जाते हैं। नीचे आप आते हैं अलर्ट हिस्ट्री में, अलर्ट हिस्ट्री में आपको क्या क्या मिल जाता है, यहाँ पे आपको नो वार्निंग्स, जैसे अगर कोई भी गाड़ी से रिलेटेड किसी भी चीज़ की वार्निंग आती है, चाहे इंजन से रिलेटेड या बैटरी से रिलेटेड, चाहे कोई डोर ओपन है, वो सब चीज़ें आपको यहीं पर शो करती रहेगी। अलर्ट हिस्ट्री भी है, जैसे अगर आपकी इस गाड़ी की जो स्पीड थी वो 80 प्लस गई थी, तो 100 प्लस गई थी, तो उसका आपको शो वार्निंग आ जाएगी, आपको यहाँ पे सब कुछ शो करता रहेगा इसके रिलेटेड। नीचे और आप आ जाते हैं ड्राइवर ड्राइव इन्फॉर्मेशन पे, यहाँ पे आप जैसे जाते हैं तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है, जैसे यहाँ पे आपको ट्रिप ए उसके रिलेटेड मिल जाती है कि कितने किलोमीटर चली थी वो सब चीज़ें, कितने घंटे चली थी और कितनी एवरेज दी थी इसने ट्रिप ए में। और नीचे की तरफ और आप आते हैं ट्रिप बी का, वही सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कितने घंटे, और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको टाइमिंग भी मिल जाती है। ये सब चीज़ें आपको, इतने सारे फीचर्स आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाते हैं वो सब चीज़ें। इस तरफ इसका 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है, जो कि सपोर्ट करता है वायरलेस
वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले यूएसबी ब्लूटूथ रेडियो। और अभी हम इसके होम स्क्रीन पर हैं। होम स्क्रीन में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको टाइमिंग, डेट और डे कौन सा है वो सब चीज़ें शो करेगी। यहाँ पे आपको रेडियो, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, म्यूजिक के, फ़ोन के रिलेटेड, नेविगेशन के और एप्लीकेशन के रिलेटेड आपको यहाँ पे सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इसके होम यहाँ पे जाते हैं, इसके ऐसे करते हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं जैसे एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले के, वायरलेस, ब्लूटूथ, यहाँ पे एयरपॉड्स के लिए मिल जाते हैं, यूएसबी का, रोड साइड असिस्टेंट, नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें, रेडियो भी मिल जाता है। और यहाँ से आप इसकी वॉल्यूम भी कम कर सकते हैं इस वाले नॉब से, ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। नीचे की तरफ और आप आते हैं, यहाँ पे आपको कुछ एप्लीकेशंस भी देखने को मिल जाती है। एप्लीकेशंस क्या क्या मिल जाती है, न्यूज़ अपडेट का मिल जाता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे, जस्ट डायल मिल जाता है, वेदर अपडेट्स, ये सब चीज़ें, गैलरी भी आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, रियर व्यू कैमरा आप एक्सेस कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। और जो इसके क्लाइमेट के कंट्रोल है, एसी के कंट्रोल्स हैं, वो आप सारे के सारे इसी से कंट्रोल्स कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले वेरिएंट में आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है, वही सारे कंट्रोल्स आप इसके इंस्ट्रूमेंट इंफोटेनमेंट सिस्टम से आप सारे कंट्रोल कर सकते हैं। जो ये वाला कंट्रोल है ये आपको इस वाला के पैसेंजर का मिलता है, जो ये वाला कंट्रोल है ये वाला टेम्परेचर का वो आपको ड्राइवर साइड का मिलता है। यहाँ से आप इसके मोड्स, वोड्स, फैन स्पीड, एसी और डुअल जोन क्लाइमेट, सर्कुलेशन का बटन, वो सब चीज़ें आप यहीं से ही चेंज कर सकते हैं। बैक हो जाते हैं सेटिंग्स में, जैसे आप जाते हैं सेटिंग्स में आपको क्या क्या मिल जाता है, आपको जनरल सेटिंग्स मिल जाती है, डिस्प्ले सेटिंग मिल जाती है डेट टाइम चेंज करने के लिए, ऑडियो सेटिंग्स, एलेक्सा की आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाती है, फ़ोन के, व्हीकल के और वाईफाई के, ये सब चीज़ें आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जैसे कि ये नेपोली ब्लैक एडिशन है AX7 का, तो इसमें आपको इतने कुछ फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं जो आपको लग्जरी वेरिएंट में ऑफर हो जाते हैं नेपोली ब्लैक वाले में। मैं आपको लग्जरी वाले का एक फीचर और एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि आपको उसमें एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है। उसमें आपको जो इसके एड्रीनॉक्स के जो फीचर्स हैं, उसमें आपको 13+ एक्स्ट्रा फीचर्स और मिल जाते हैं एड्रीनॉक्स के ही। AX7 लग्जरी वाले वेरिएंट में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं एड्रीनॉक्स के। यहाँ पे आपको एड्रीनॉक्स की बैजिंग भी मिल जाती है। XUV700 के AX7 वेरिएंट में आपको लेवल 2 एडास मिल जाता है, जिसमें आपको लेवल 2 एडास के काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फ्रंट कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, स्मार्ट पायलट असिस्ट, ड्राइवर ड्राउनर्स डिटेक्शन। और नीचे की तरफ आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इस तरफ देखने को मिल जाता है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। डुअल जोन में आपको बता चुका हूं क्या है, यहाँ का टेम्परेचर आप अलग सेट कर सकते हैं और ड्राइवर साइड का टेम्परेचर आप अलग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफॉगर का मिल जाते हैं, फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, फैन स्पीड को तेज या कम करने के लिए यहाँ पे आपको बटन मिल जाते हैं, ऑटो का बटन मिल जाता है, सर्कुलेशन का बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको मोड्स का, मैक्सिमम एसी, यहाँ पे रियर एसी का और यहाँ पे इसका ऑफ करने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ आप आते हैं, यहाँ पे आपको पैसेंजर एयरबैग्स का मिल जाता है, यहाँ पे आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर, हेजल लाइट का बटन, रियर कैमरे को व्यू करने का मिल जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका रियर कैमरा आ चुका है। इतनी कुछ इसकी कैमरे की क्वालिटी, यहाँ से आप इसको जूम, ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं, फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका लेआउट भी देख सकते हैं कितना क्या है, ऐसी कुछ इसकी कैमरे की क्वालिटी है। तो यहाँ से बैक हो जाते हैं, नीचे की तरफ और आप आते हैं, यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं। जो ड्राइव मोड्स है ये सिर्फ और सिर्फ आपको डीजल वाले ही वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। ड्राइव मोड्स में जो भी आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, वो सब चीज़ें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम पे देखने को मिलती है। जैसे कि अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको जिप, जैप, जूम एंड कस्टम आप अपने अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। जिप, जैप, जूम में क्या है, जिप आपको इको मोड मिल जाता है, जैप आपको नॉर्मल मोड मिल जाता है और जूम आपको स्पोर्ट मोड मिल जाता है। बस महिंद्रा का क्या है, इन्होंने अपना नाम चेंज कर रखा, बस काम इनका वही है, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड का वही काम है। और कस्टम आप करना चाहे वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से कर सकते हैं। तीन मोड बेसिकली आपको इसमें तीन ही मोड देखने को मिलते हैं, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नीचे आप आ जाते हैं, इसको बैक हो जाता है, नीचे की तरफ आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे कुछ स्टोरेज मिल जाती है, यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज मिल जाती है, यूएसबी का पोर्ट मिल जाता है और फास्ट चार्जिंग का भी पोर्ट मिल जाता है। ये वाला वेरिएंट अगर आपकी बात कर दीजिए, यहाँ पे आपको मैनुअल में भी मिल जाता है और ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको 6-speed मैनुअल गियर नॉब मिल जाता है, यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक, इस तरफ इसके सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम की कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे जैसे आप इसके बैक होना चाहते हैं, कॉल्स का मिल जाता है, फेवरेट्स का, यहाँ से आप इसका म्यूजिक का भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको छोटा सा नॉब देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप इसकी वॉल्यूम, वो सब चीज़ें आप यहीं से बंद कर सकते हैं। तो यहाँ से बैक हो जाते हैं, जैसे आप इसकी वॉल्यूम है यहीं से आप कम, तेज, ये सब चीज़ें आप ये कर सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको एक कप होल्डर मिल जाता है, आर्मरेस्ट मिल जाता है और इतनी कुछ इसकी स्टोरेज है, काफ़ी डिसेंट से स्टोरेज के साथ मिल जाता है। यहाँ पे आपको की होल्डर भी मिल जाता है अलग से, यहाँ पे स्टोरेज
और सारे जगह आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलता है, सारे जगह पे ही, यहाँ पे भी सारे जगह आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलता है। थोड़ी प्रीमियम, थोड़ी आपको AX7 वाले वेरिएंट में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इस तरफ इसका ग्लव बॉक्स आ जाता है, इसका बटन आपको इस तरफ देखने को मिलता है। इतनी कुछ इसकी स्टोरेज मिलती है विद लाइट फंक्शन के साथ मिल जाता है, और आपको इस तरफ भी इसकी स्टोरेज मिल जाती है। कर देते हैं अब इसको बंद। ऊपर की तरफ आपको सनवाइजर मिल जाता है, इस पर आपको ना ही कोई टिकट होल्डर मिलता है, ना ही कोई आपको मिरर देखने को मिलता है। इस तरफ इसका सनग्लास होल्डर आ जाता है, यहाँ पे इसकी ये रही ये केबिन लाइट्स आ जाती है वाइट LED में। यहाँ पे जो इसकी ये लाइटनिंग है इसको भी आप ऑन कर सकते हैं इस वाले बटन से, ऐसे उसका बटन। केबिन लाइट्स आपको वाइट LED में मिल जाती है। पैरानोमिक सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, काफ़ी बड़ी ब्लाइंड के साथ मिल जाती है, जो इसका ब्लाइंड है पूरा सेकंड रो तक जाता है। इस तरफ इसका सनवाइजर आ जाता है, सनवाइजर पे आपको मिरर मिल जाता है, बट आपको लाइट ऑफर नहीं करी जाती है। जो इसकी सनरूफ है वो आपको काफ़ी वाइड ओपनिंग के साथ मिलती है, मतलब वाइड का काफ़ी डिसेंट है, मतलब ठीक है, बट इसका ब्लाइंड पूरा ओपन हो जाता है। कर देते हैं अब इसको बंद। और यहाँ पे आपको मैनुअल डिमिंग या एयरवे मिल जाता है, जो कि मैनुअल ही एडजस्ट करना होता है डे नेट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे ये वाला, अब मैं ड्राइवर वाली सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं रियर में कितना स्पेस है। अब हम आ चुके हैं इसके सेकंड रो में। पहले डोर की बात करी जाए, यहाँ पे आपको सारे जगह यहाँ पे सॉफ्ट टच देखने को मिलता है। डोल डोर में आपको पूरा डोर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे सिल्वर में डोर हैंडल मिल जाता है, पियानो ब्लैक में इसका डोर ओपनर आ जाता है यहाँ पे की तरफ। यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे इसके तरफ वाटर वाटर होल्डर, कुछ सामान रखने के लिए स्पीकर भी ऑफर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। अब हम आ चुके हैं इसके सेकंड रो में। सेकंड रो में यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स ऑफर हो जाते हैं, टाइप सी का एक पोर्ट ऑफर हो जाता है, यहाँ पे कुछ स्टोरेज मिल जाती है। ऊपर की तरफ इसकी बड़ी सी पैरानोमिक सनरूफ ऑफर हो जाती है। यहाँ पे इस तरफ इसकी केबिन लाइट्स आ जाती है, जो कि आपको वाइट LED में मिल जाती है। ग्रैब हैंडल मिल जाता है, इस तरफ भी केबिन लाइट्स आपको वाइट LED में मिल जाती है। इस वाली रियर वाली सीट पे आपको आर्मरेस्ट ऑफर हो जाता है विद 2 कप होल्डर। टोटल आपको 6 एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाती है फ्रंट के 2। मिडल वाली सीट पे आपको 2 एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बट जो ये वाला हेडरेस्ट है वो आपको फिक्स्ड मिलता है, आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता है। और थर्ड रो में भी आपको 2 एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और ये वाली सीट को आप 60-40 रेशो में स्प्लिट कर सकते हैं, 40% और ये 60%। अगर स्पेस की बात करी जाए, मेरी हाइट 5'7" है, आप देख सकते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली होकर बैठ सकता हूँ, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। चाहे बात करें लेग रूम की, चाहे बात करें हेड रूम की, मेरे पास काफ़ी एम्पल स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेक्स के बारे में। इसमें आपको 2200 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम पावर निकालता है 182 BHP की, और मैक्सिमम टॉर्क 420 न्यूटन मीटर की। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। महिंद्रा XUV700 का AX7 वेरिएंट है नेपोली ब्लैक में। इसका एक्सशोरूम प्राइस है 21,30,000 रुपए और ऑन रोड प्राइस है 24,60,000 रुपए। ये था महिंद्रा XUV700 AX7 का रिव्यू। आपको गाड़ी कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द नए वीडियो में, थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये नेपोली ब्लैक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा या नहीं लगा, और आपको जो चेंजेस करे गए हैं गाड़ी में, चाहे कलर हो गया, वेरिएंट हो गया, फीचर्स हो गए, वो आपको जस्टिफाई लगे या नहीं लगे इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली।